मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमिता में। आज मैं आपको मैगी चीज़ सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम समय में बन जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए सामग्री ली है। मैंने लिया है ये 2 ब्रेड और ये है बटर और ये है चीज़ और एक मैंने लिया है AP मैगी। आप कोई भी मैगी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने पानी जो है बॉईल कर लिया है और अब इसमें मैं ज़रा सा ऑयल डाली हूँ, आधा चम्मच। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, तोड़ कर डालूँगी मैगी। अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। इसमें बस हम इतना ही पानी डालेंगे जिससे कि ये पक जाए और ये ड्राई भी रहे। ये देखिए, मेरा मैगी जो है हो गया है, पक गया है और देखिए एकदम ड्राई भी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और इधर देखिए, मैं ली हूँ बटर और ब्रेड में अच्छे से इसे मैं लगा दूँगी चार तरफ। और देखिए, मैंने दोनों ही ब्रेड में बटर को अच्छे से लगा दिया है। और अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मैगी। इसे हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे चीज़ चारों तरफ हम अच्छे से फिर से चीज़ डाल के अब इसको हम देखिए अच्छे से मैंने डाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे दूसरे वाले ब्रेड से, ऐसे प्रेस कर देंगे। और ये देखिए, मैंने पैन गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाला है ऑयल और ऑयल को जो है हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अपना सैंडविच। इसे मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और इसे थोड़ा सा ढककर हम थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखिए, अभी ये एक साइड हो गया है। अब ये हम देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा से ये पक गया है। अब दूसरे साइड भी हम पका लेंगे। ये देखिए, दूसरा साइड भी हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, ये इसको अब हम कट कर लेंगे बीच से। बहुत ही क्रंची बना है। ये देखिए, इसमें जो चीज़ है वो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये मेरा नाश्ता तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।